और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर, जहां बीजेपी की समीक्षा बैठक में मारपीट की खबर सामने आ रही है। खराब प्रदर्शन पर मंथन होना था। बैठक के बीच दो गुटों में कहासुनी हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बैठक होनी थी, जहां भी कमी देखने को मिली, हार हुई, उसको लेकर मंथन होना था। लेकिन इस दरमियान दो गुटों में आपस में मारपीट हो गई, बहस हो गई, और बहस इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई है। सिद्धार्थ नगर का ये मामला बताया जा रहा है। समीक्षा बैठक में मारपीट, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। तो सिद्धार्थ नगर का ये मामला, जहां समीक्षा बैठक में मारपीट की खबर सामने आ रही है, दो गुटों में मारपीट हो गई, बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक आ गई है। और इस बीच पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईडी ने रेड की है, और यह बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज में रेड को अंजाम दिया गया है। एक बिजनेसमैन के यहां पर रेड की गई है। तो बंगाल के रानीगंज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक बिजनेसमैन के घर पर ईडी की टीम पहुंची है रेड के लिए। फ्रॉड केस बताया जा रहा है, जिसमें ईडी की टीम रेड करने के लिए पहुंची है। एक बिजनेसमैन के घर पर की गई है रेड। उत्तर प्रदेश के एक फ्रॉड केस में दरअसल ईडी ने छापेमारी की है, जब बंगाल के रानीगंज में एक बिजनेसमैन के घर ईडी की टीम पहुंची और वहां पर रेड को अंजाम दिया जा रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर पश्चिम बंगाल में ईडी रेड करने के लिए पहुंची है। जानकारी मिल रही है कि जो रानीगंज जिला का, वहां पर एक बिजनेसमैन के घर पर पहुंची ईडी की टीम। और इस बीच एमपी से खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, अब स्कूल के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश में भगवान राम और कृष्ण शामिल किए जाएंगे। यानी कि पाठ्यक्रम में श्री राम का पाठ शामिल होगा, श्री कृष्ण का पाठ शामिल होगा। बच्चों को बताया जाएगा इतिहास के बारे में, श्री कृष्ण को लेकर श्री राम से जुड़ी जानकारी दी जाएगी और इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस पाठ को सिलेबस में जोड़ा जाएगा। सरकार ने श्री राम पदगमन, श्री कृष्ण पदगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, और इन पदगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पर गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जा करके उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। भगवान कृष्ण, भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं, उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। और अब अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के जलगांव से मिल रही है, जहां पर पुलिस स्टेशन पर जोरदार पथराव किया गया है और इस पथराव के बीच 8 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। एक मिनट में पूरी खबर देखिए। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस स्टेशन पर ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जामनेर थाना इलाके में कुछ दिन पहले 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया और थाने ले आई। ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और आरोपी को देने की मांग की। जब पुलिस ने इनकार किया तो ग्रामीण हंगामा करने लगे, पहले टायर जलाए और फिर थाने पर पथराव कर दिया। सामाजिक तत्व तो जमा हो गए पुलिस स्टेशन के पास और उन्होंने पुलिस उनको कंट्रोल कर रहे थे, समझा रहे थे, बीच में ही उन्होंने पत्थरबाजी की है पुलिस स्टेशन की दिशा में, जिसमें करीब 7-8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। थाने पर हुए पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण थी, जिसके बाद जामनेर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और डोडा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक आतंकी मददगार गिरफ्तार कर लिया गया है। कल ही मददगार गिरफ्तार हुए थे, जिन्होंने अभी लगातार जो हमले हुए हैं उनमें आतंकियों की मदद की थी। डोडा से खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। आतंकियों का एक और मददगार गिरफ्तार कर लिया गया, पाकिस्तानी आतंकियों की इन्होंने मदद की थी पूरी साजिश में। कल भी मददगार गिरफ्तार हुए थे और आज एक और मददगार की गिरफ्तारी हो गई है। लगातार टीम इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है और जांच पड़ताल भी जारी है।